सिविल कोड बार एसोसिएशन के तत्वाधान में महाराज गुहा राज निषाद की जयंती के पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम का आयोजन दीवानी न्यायालय के सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि जनपद न्यायाधीश गोविंद बल्लभ शर्मा, विशिष्ट अतिथि बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य मधुसूदन त्रिपाठी और मुख्य वक्ता एडवोकेट नगीना प्रसाद साहनी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बार एसोसिएशन सिविल कोड के अध्यक्ष वीरेंद्र शाही ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनपद न्यायाधीश गोविंद बल्लभ शर्मा सहित अन्य अधिवक्ताओं ने महाराज गुहा राज निषाद जी के जीवन पर प्रकाश डाला और उन्हें निषाद समुदाय का मसीहा बताया। कार्यक्रम में एसोसिएशन के महामंत्री अजय कुमार शुक्ला, सुशील चंद्र साहनी सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। जीवन में क्या समर्पण, समर्पण
उन्हें पता रहता था कि तुम क्या होगा आप जाने से जितेंद्र जो थे पराक्रमी थे और उन्होंने देखिए ईश्वर की इस प्रकार की गति भगवान का पता नहीं कब का भोग भोगना पड़ता है। इस मंत्र लोक में हम नहीं समझ पाए भोग ने वस्त्र भर लिया थोड़े समय के लिए उनकी जो वृत्ति उनकी तापसी वृत्ति के जागृत भी और जब जन्म होने जा रहा था तो केले की माँ तो सबसे सुंदर थी उनकी प्रणाली थी परामर्श लेने के लिए अनावश्यक चले गए वो उनकी वृत्ति बदल गई थी। अगर केले के पास जाते तो वो भवन का सामना नहीं करना पड़ता और उस समय उनको जो वो जो वृत्ति जो तामसी करती है उसे देखना पड़ता है। ये सब होनी है जो होना है वो होता है। रामचंद्र जी के लिए इच्छा शक्ति थी कहते हैं कि जब समर्पण करेंगे जब जाग करेंगे तो न कोई बात होगा न कोई बुरा काम होगा। तो ध्यान और समर्पण दुनिया की सबसे महान शक्ति है। अगर आप ध्यान करेंगे तो आप काम अच्छा करेंगे आप समर्पण करेंगे तो दूसरों के लिए आपके दिल में प्यार भाव सफलता स्नेह और उच्च शिखर के भाव जाते जाओगे क्यों कि आपको मेरे को चाहिए लेकिन वही के नहीं जो तीन उन्होंने वचन मांगे थे तो बुद्धि उसमें जागृत हो गई क्योंकि इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति कुछ न कुछ हर समय अपनी बुद्धि को बुद्धि में बदल देता है। तो मैं बता रहा था कि वो इच्छा शक्ति